How to get powerful Pokemons in Pokemon Go 2024? कैसे आप Pokemon Go में powerful Pokemons? अभी देखो powerful Pokemons में क्या-क्या आता है? एक तो होता है कुछ ऐसा Pokemons है जो GBL battle के लिए बहुत ज्यादा powerful होता है, जैसे ranking wise आप लोगों को पता है, जैसे water type में primal Kyogre, आप लोगों को पता ही है GBL में बहुत सारा Pokemon का ranking होता है। अभी ये तो एक हो गया powerful Pokemon, और एक powerful जिसका IV and CP बहुत मस्त होता है, तो मैं combine करके बताऊंगा 2024 में वो कौन सा मेथड है जो मैं यूज करता हूं कोई भी पावरफुल पोकेमोन को गेट करने के लिए। या मान लो कि आपने नया एक खुद का एक आईडी बनाया, बिल्कुल फ्रेश आईडी, अभी उसमें आप कुछ पावरफुल पोकेमोन रखना चाहते हो या वो आईडी को पावरफुल बनाना चाहते हो, तो कैसे आप वो पोकेमोन्स को गेट कर पाओगे, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताने वाला हूं, बहुत ही मजा आएगा, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेचू के एक नए वीडियो में। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, देखो बहुत दिनों बाद आया हूं अभी वीडियो में, कुछ दिक्कत आ गया था चैनल में, दैट्स व्हाई। सो अभी रेगुलर वीडियो आएगा एंड रेगुलर लाइव स्ट्रीम आएगा, जितना हो सके मेहनत मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जो फर्स्ट वे है वो क्या है, ध्यान से सुनो, स्पेशल रिसर्च। अभी बहुत लोगों को यही नहीं पता, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं भाई स्पेशल रिसर्च कहां पर मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, देखो बहुत सारे बिगिनर हो सकते हैं, क्योंकि जो जो नए गेम को प्ले कर रहे हैं उनको नहीं भी पता हो सकता है भाई, सबको सब कुछ पता नहीं होगा, ये तो भाई फैक्ट है। तो गाइस देखो ये जो स्पेशल रिसर्च है, अगर आपको नहीं पता बता देता हूं, जो ये जो दूरबीन का ऑप्शन देख रहे हो आप गेम में, इसमें क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलता है। एक होता है टाइम रिसर्च का ऑप्शन, जहां पर हमें टाइम रिसर्च मिशंस मिलता है, एक होता है फील्ड रिसर्च सेक्शन, एंड साइड में जो देख रहे हो स्पेशल रिसर्च। अभी जितना अभी मिथिकल पोकेमोन से स्पेशली जो हमें फ्री में मिलता है, जैसे कुछ दिन पहले डीएनसी पोकेमोन मिला, अभी भी मिलेगा अगर आप लोग मिशन को कंप्लीट करोगे। ऐसे हमें स्पेशल रिसर्च में म्यू मिला था, मतलब म्यू मिलता भी है मिथिकल डिस्कवरी, वहां पर हमें होप्पा मिला है, मेलोइटा मिला है, जाइग्रेड मिला है, अभी डीएनसी पोकेमोन भी मिल रहा है। तो मिथिकल पोकेमोन हमें फ्री में स्पेशल रिसर्च में मिलता है, एंड उसका पेड वर्जन भी आता है गाइस, ऐसा नहीं है सिर्फ फ्री मिलता है, पेड वर्जन भी हमें मिलता है वेरियस टाइप्स ऑफ इवेंट्स में, ठीक है। तो चलो गाइस मिथिकल पोकेमोन यहां पर आप लोग बेटर आईवी भी गेट कर सकते हो स्पेशल रिसर्च मिशन कंप्लीट करके, तो स्पेशल रिसर्च मिशन जरूर कंप्लीट करना। तो गाइस अभी देखो सेकेंड वे क्या है, इवेंट्स। अभी देखो इवेंट्स, ढेर सारा इवेंट्स होता है, हर एक मंथ में आपको ढेर सारा इवेंट्स मिलेगा। पोकेमोन गो में ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन इवेंट नहीं है, कुछ ना कुछ इवेंट चलता है। जैसे जो रीडिस्कवर कैंटो, तो रीडिस्कवर कैंटो में आपको कैंटो रीजन का पोकेमोन मिल रहा है। अभी कैंटो रीजन पोकेमोन में भी आप बेटर आईवी पोकेमोन कैसे गेट कर सकते हो, जब भी कोई इवेंट आता है एंड वो इवेंट में कोई स्पेसिफिक पोकेमोन, आप लोगों को पता ही होगा अगर आप पोकेमोन को प्ले करते हो, हर एक इवेंट में स्पेसिफिक पोकेमोन होता है, जैसे ये इवेंट में ये पोकेमोन वाइल्ड में मिलेगा, अभी वो चेंज होकर जब नया इवेंट आएगा तो नया पोकेमोन वाइल्ड में मिलेगा। अभी जो पोकेमोन वाइल्ड में अवेलेबल होता है इवेंट के दौरान, तो वो पोकेमोन्स को ज्यादा करके कैच करो, वहां पर आपको बेटर आईवी एंड सीपी मिलता है जिसको आप इवॉल्व करके, या अगर आपको बेटर वर्जन मिल गया तो उसको भी आप रख सकते हो, जो आपके बैटल के लिए बहुत अच्छा एक पोकेमोन होने वाला है। अब इवेंट्स में देखो बहुत सारे इवेंट, जैसे कम्युनिटी डे, स्पॉटलाइट आवर, हैड्स डे, ठीक है, रिसर्च डे, ये सब बहुत कुछ होता है, बट ये जो इवेंट्स होता है ये स्पेशली शाइनी पोकेमोन लवर्स के लिए इंडिकेटेड होता है, मतलब ये इवेंट्स में हमें ज्यादातर शाइनी पोकेमोन्स मिलता है। तो एक चीज याद रखना, अगर आप पावरफुल पोकेमोन गेट करना चाहते हो तो ये इवेंट्स को आप इग्नोर मत करना, बट अगर आप चाहते हो कि आपका मिस हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं। बट गाइज मैं आपको बता दूं, ये इवेंट स्पेशली शाइनी पोकेमोन्स के लिए होता है। तो गाइज अभी देखो इवेंट्स में आप बेटर आईवीज गेट कर सकते हो। अभी आते थर्ड वे, लकी पोकेमोन। अभी बहुत लोगों ने भी मुझे कमेंट किया था भाई ये लकी पोकेमोन कैसे एंड कहां पर मिलता है, एंड बहुत लोगों को पता है ट्रेडिंग से मिलता है, लेकिन बहुत लोग ये भी पूछते हैं भाई ट्रेडिंग से कैसे जल्दी से जल्दी लकी पोकेमोन गेट करें। अभी लकी पोकेमोन, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है लक लक, और लक भाई ऐसा नहीं होता कि आप अपने मर्जी से करो, तो फिर तो भाई सभी लकी होते, ठीक है। तो भाई देखो लकी पोकेमोन कैसे मिलता है, उसका वन एंड ओनली वे है ट्रेडिंग। तो आप जब दोस्तों के साथ ट्रेड करोगे, या किसी भी दोस्त के साथ आप ट्रेड करो, कभी कभी आप लोग मेरे ट्रेड स्ट्रीम में भी आते हो, मेरे साथ भी ट्रेड करते हो, तो ट्रेड करने के बाद लकी पोकेमोन मिलता है, वो कभी कभी मिलता है, आपको हर वक्त नहीं मिलेगा, एंड जब आपका लक अच्छा होगा तभी आपको मिलेगा। लेकिन गाइस एक चीज बता दूं, ट्रेडिंग करने के बाद आपको जितना भी पोकेमोन मिलता है वो सब पोकेमोन घटिया होता है, किसी का भी आपको बेटर आईवी नहीं मिलता, बिल्कुल घटिया पोकेमोन आपको ट्रेड करने के बाद मिलता है, जो मैं आपको सच
सच में बताता हूं, ठीक है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं करता हूं। बट गाइस इकलौता ये लकी पोकेमॉन ही ऐसा है जो आपको ट्रेड करने के बाद मिलता है, सिर्फ ट्रेड करने के बाद मिलता है। बट वो लकी पोकेमॉन का जो आईवी होता है वो बिल्कुल बेस्ट आईवी होता है, वन ऑफ द बेस्ट आईवी। भाई मुझे लकी पोकेमॉन मतलब ट्रेड करके 200 आईवीज मिला था, ठीक है, मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड किया था। सो गाइस अगर आप लकी पोकेमॉन लेना चाहते हो तो ट्रेड कर सकते हो, बट एक चीज बता दूं, लकी पोकेमॉन लक में ही मिलता है, उसका कोई भी फंडा नहीं है कि भाई हर रोज आप लकी पोकेमॉन को गेट कर सकते हो। अभी लक अच्छा हुआ तो गेट कर पाओगे, ढेर सारा आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, बस इतना ही। अभी गाइस लास्ट जो वे है वो बहुत खतरनाक वे है, इसको तो सबको फॉलो करना है एंड डेली फॉलो करना है, तो इससे आपको 100% पावरफुल पोकेमॉन मिलेगा, आप भी जीबीएल बैटल में बहुत अच्छे से प्ले कर पाओगे। अभी वो वे क्या है उससे पहले एक छोटा सा काम कर देना, अगर आप लोग चैनल में नए हो अभी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड गाइस वीडियो में लाइक भी जरूर कर देना हर रोज पोकेमॉन गो रिलेटेड कंटेंट्स पाने के लिए। तो गाइस लास्ट जो वो है रेड बैटल। तो गाइस रेड बैटल अगर आप लोग करोगे तो वहां पर आपको लेजेंडरी पोकेमॉन भी मिलता है। अभी देखो रेड बैटल में अगर आप लोग फर्स्ट मतलब वन स्टार रेड कर रहे हो तो वहां पर आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो आपको करना है 3-star रेड, उसके बाद आपको करना है 5-star रेड, उसके बाद मेगा रेड, एलाइट रेड, अल्ट्रा बीस्ट रेड, ढेर सारा रेड होता है भाई पोकेमॉन गो में, सच में बताओ, और उसके साथ साथ रेड डे भी होता है। तो गाइस रेड करके आप लोग सिर्फ देखो अगर आप 3-star रेड करोगे या मेगा रेड करोगे वहां पर मेगा पोकेमॉन्स मिलेगा, बट वो पोकेमॉन्स नॉर्मल पोकेमॉन होगा, कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं। जैसे लेजेंडरी पोकेमॉन में मेगा रेड में कभी कभी प्राइमल पोकेमॉन्स आता है एंड रेक्वायर्ड आता है, बट वो कम आता है। ज्यादातर क्या पोकेमॉन आता है, नॉर्मल पोकेमॉन, मेगा वेनसोर, मेगा चार्जर, टायंटर, ये सब आता है। तो ये पोकेमॉन्स को आप 3-star रेट से गेट कर सकते हो, वो भी पावरफुल होता है, मेगा पोकेमॉन भी पावरफुल होता है, बट पावरफुल के साथ अगर आपको लेजेंडरी बिल्कुल लेजेंडरी पोकेमॉन गेट करना है हर रोज, तो आपको करना पड़ेगा 5-star रेट जो हर रोज होता है, एंड हर एक दिन आपको लेजेंडरी पोकेमॉन मिलेगा, हर एक लेजेंडरी पोकेमॉन 7 दिन या 8 दिन के लिए रहता है, देन वो चेंज होके अलग एक लेजेंडरी पोकेमॉन आता है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अभी तो आपको 2 करके रेट पासेस भी मिल रहा है, मतलब आप 2 करके लेजेंडरी हर रोज गेट कर सकते हो, तो 5-star रेट आपको जरूर करना है। जितना भी रेट होता है 1-star रेट को छोड़ के आप कोई भी रेट करो आपको पावरफुल पोकेमॉन से मिलेगा। तो गाइस ये कुछ स्पेशल एंड बहुत ही इजीएस्ट वे है, इसके बाद भी बहुत सारा है, जैसे जीबीएल बैटल करके वहां से पोकेमॉन गेट करना, पर बहुत ही कम चांस होता है, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया। तो गाइस मैंने सिंपल वेज बता दिया, इसको फॉलो करो आपको पावरफुल पोकेमॉन जरूर मिलेगा। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, एंड गाइस वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो में लाइक जरूर कर देना, चैनल में ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।